हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा 21,391 पोस्टों पर बिहार पुलिस कांस्टेबल की बम्पर भर्ती आई हुई है, जिसका आवेदन 20 जून 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर एज लिमिट को लेकर परेशान है। बहुत सारा ट्विटर कैंपेन भी किया गया, लेकिन कुछ प्रभाव पड़ा नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट को लग रहा है कि हमारा जो एज है ज़्यादा हो चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट का उम्र भी कम है, और जो 2023 में 12वीं पास किए हैं उनके मन में डाउट है कि क्या हम इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपको एज लिमिट से संबंधित डाउट है, इस वीडियो को देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चों के पास, सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ बिहार पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। न्यास देखिए, मैंने बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के फुल ऑफिशियल नोटिस को प्रिंट कर रखा है, और यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है कि आखिरकार आवेदन करने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है, जो कि यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है कि 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट 10+2 उतना जरूरी है। यहाँ पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो अभी 2023 में अभी बच्चे पास हुए हैं वो आवेदन कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर जो डेट दिया गया है उसके अनुसार बिल्कुल आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है सिपाही पद के लिए शिक्षित अर्हता दिनांक 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 पास होना जरूरी है, और आपने पास किया है 2023 में, तो फिर आवेदन कहां से कर पाएंगे? तो ये बात बहुत ही गलत है बिहार सरकार के द्वारा, जो कि यहां पर 2023 में जो पास हुए हैं बच्चे उनको भी आवेदन करने का मौका देना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसमें एज लिमिट क्या रखा गया है। उससे पहले मैं आप सभी कैंडिडेट के लिए एक बुक रिकमेंड करता हूँ, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। आप इस बात करने वाली है बिहार पुलिस कांस्टेबल की आई नई वैकेंसी 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चशु प्रकाशन द्वारा पब्लिश की गई है। जैसा कि आपको मालूम होगा 21,391 पोस्टों पर बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी आ चुकी है, और देखिए इस वैकेंसी के लिए संपूर्ण गाइड बुक है। अगर आप इस बुक को बाय करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल जो आपका एग्जाम पैटर्न है, जो आपका सिलेबस है, उस पैटर्न को देखते हुए इस बुक को तैयार किया गया है, जिसका 3000 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही 5 सोल्व पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका पूरा विवरण दिया गया है, पाठ्यक्रम दिया गया है, जो कि आप सभी कैंड इस बुक को बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाए। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार आपका जो एज कैलकुलेट किया जाएगा कब से किया जाएगा, और कौन से कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे उसको समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया अभ्यर्थियों की जो उम्र है दिनांक 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार जो आपका है एज लिमिट होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ कि देखिए जो डेट यहाँ पे सेट किया गया है 1/8/2022, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा वो आज के डेट से नहीं किया जाएगा, ये आपको 1 अगस्त 2022 के अनुसार किया जाएगा। ये बात आप बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों का मांग यही है कि जो यहाँ पे 1/8/2022 आप किए हैं, यहाँ पे 1/1/2023 कीजिए या फिर इसको और आगे बढ़ाइए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसमें यही बातें मेंशन की गई है। और यहाँ पर देखिए अब आपका जो एज लिमिट है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से लेकर 25 है, ओबीसी और ईबीसी के लिए 18 वर्ष से लेकर 23 है, और एसीएसटी के लिए 18 से लेकर 28 है। ठीक है, इसके अलावा भी आप जो यहाँ पे अगर उम्र में छूट लेना चाहते हैं तो फिर आपको कैटेगरी के अनुसार छूट दिया जा सकता है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे साफ तौर पर यहाँ मेंशन किया गया है, लेकिन काफ़ी बच्चे हैं जो कि यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि जो यहाँ पे उम्र में 18 से 25 है जनरल के लिए, इसको भी बढ़ाया जाए, या फिर अगर नहीं भी बढ़ाते हैं तो ये जो आपको डेट है 1/8/2022 इसको कम से कम 2023 कीजिए। ठीक है, तो देखिए दो बात निकल कर आती है कि जो अभी 2023 में इंटर पास किए हैं वो बिल्कुल आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न यही है कि अभी आपको बोल दिया गया कि 1/8/2022 तक ही हम इंटर पास वाले लेंगे। लेकिन बताता है कि आखिरकार जो मैक्सिमम उम्र है वो कितना रखा गया है, तो यहाँ पे मैक्सिमम उम्र देख सकते हैं जनरल के लिए 25 है, ओबीसी ईबीसी के लिए 27 है, और यहाँ पे महिलाओं के लिए जो आपको रखा गया है ईबीसी और ओबीसी के लिए 28 वर्ष रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से कैटेगरी आपको मेंशन किया गया है। साथ ही मैं आपको देखिए जो ट्विटर पर अगर आप सर्च करेंगे बिहार पुलिस एज लिमिट, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ट्वीट किया गया है। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट का ट्वीट किया गया है नीरज कुमार के द्वारा, तेजस्वी भैया बिहार पुलिस का एज लिमिट और बढ़ा दीजिए प्लीज़। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं कि इसका जो एज लिमिट है बढ़ा दीजिए, लेकिन कुछ भी सुनवाई है नहीं, और बढ़ाना न बढ़ाना तो इनके ऊपर डिपेंड करता है, बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो 2023 में बच्चे पास हुए हैं उनको आवेदन
एडमिशन करने के लिए मौका देना चाहिए था, जो कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए टेस्ट बुक का जो एक ऑफिशियल एक साइट है, जो कि इसका टेस्ट बुक का एक प्रैक्टिस सेट भी आता है, उसका मैंने यहाँ पे कुछ 8 किलो प्रिंट कर रखा है। और यहाँ पर देखिए मेंशन किया है कि आपको कैटेगरी के अनुसार मैक्सिमम छूट दिया जाएगा। हाल की इसको लेकर मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि छूट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। जब आवेदन स्टार्ट होगा तो उसके बारे में हम और डिटेल में बात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी जो आपका एज लिमिट है यही रखा गया है 18 से लेकर 25 जनरल के लिए है, और EBC के लिए 18 से लेकर 27 है, OBC के लिए भी है। कि आखिरकार हमें आवेदन करना चाहिए या फिर प्रोटेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, इसको लेकर कि देखिए आपको कुछ भी करने से यहाँ पे फर्क पड़ेगा नहीं बोर्ड को, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से बहुत सारे टीचर को देख रहा था कि ट्यूटर वहाँ कंप्लेन कीजिए, हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बोर्ड का जो नियम है वो नियम है, अब हम क्या कर सकते हैं ये बात समझिए। ठीक है, हो सकता है कोई अपडेट आए आवेदन करने से पहले, तो कोई भी अपडेट आएगा तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना था जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। फिर भी आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होते हैं, तो वीडियो को नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।